कार एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत का हालात देखकर अस्पताल में ही रोने लगे डेविड वार्नर और उनकी पत्नी। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जब से ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ है तो कई सारा सवाल था, लेकिन दोस्तों अब ऋषभ पंत धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के जाने माने खिलाड़ी डेविड वार्नर ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे मुंबई हॉस्पिटल और साथ में पत्नी के साथ मुलाकात किया। पर दोस्तों मुलाकात के बाद ऋषभ पंत से जैसे ही मिले तो वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और काफी ज्यादा रोने भी लगे, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत का कुछ हाल ही वैसा है। ऋषभ पंत लगभग 2 से 3 महीना चल भी नहीं सकते हैं तो क्रिकेट कहां से खेल पाएंगे, इसलिए दोस्तों वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इतना ज्यादा चोट लगा है उनको कि अभी तक वो ठीक भी नहीं हुए हैं। और साथ ही डेविड वार्नर की पत्नी काफी ज्यादा रोने लगी और उन्होंने भी दुआ की है कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए। और आईपीएल में दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत की जगह अब डेविड वार्नर कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर तब तक ऋषभ पंत सही तरीके से ठीक नहीं होते हैं तो ये बयान दिल्ली कैपिटल के खुद कोच ने दिया है। पर दोस्तों ये बात में सच्चाई भी है कि जब तक ऋषभ पंत सही तरीके से ठीक नहीं होता है तब तक डेविड वार्नर को कप्तानी करना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।